यस गाइस, यहाँ तक रीड किया। अभी अपन ने बी ए पढ़ा, बी ए ए पढ़ा, अभी बी ए बी पढ़ेंगे। तीनों सेक्शन कंपनी के लिए ही है, बराबर। फिर इनका कंपैरिजन टेबल में शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन, क्लियर। आते हैं आगे, बी ए बी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। सेक्शन 115 BAB हैज बीन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। कंडीशन फॉलोइंग टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट। SSC इज एनी डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, शेयर होल्डर, इंडिया के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, कंट्रोल्ड। ऑल्सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनुअल टर्नओवर। कंपनी हैज बीन सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1st October 19 and has commenced manufacture or production of an article tin on or before 31st March 23. Company is not engaged in any business other than business of manufacture or production of any article or tin and research in relation to or distribution of such article or tin manufacture produced by it. The business of manufacture or production of article tin shall not include following businesses: development of computer software in any business or in any media. ये क्यों नहीं, क्योंकि इनके लिए तो already बहुत सारे benefits देके रखे हैं, अगर आपको पता होगा तो। Mining, conversion of marble blocks or similar item into slab, bottling of gas into cylinder, printing of books or production of cinematography film or any other business as may be notified by central government. New undertaking, new business has not been formed by splitting, reconstruction of existing business, where business has been revived as per 33B. 33B एक section है जहाँ पर अगर कोई natural calamities वगैरह कुछ हो जाता है और आप business को revise करते हो तो आपको ऐसा ही माना जाता है कि new business है। मतलब अभी कैसे होता है, कभी earthquake आ गया, कुछ भी आ गया, business बंद हो गया, तो anyways हमें setup तो करना ही है, तो हम same जगह करें या नई जगह उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Destroyed by a natural calamity etc. New business can be set up within 3 years. Then it shall not be regarded as reconstruction. Does not use old plant and machinery. It should not be formed by transfer of plant and machinery previously used in any purpose to new undertaking. Following are the exceptions to the rule. As per provision of this section, maximum 20% of plant and machinery of new business can be transferred from old undertaking. Where any plant and machinery outside India has been transferred to India, then that shall be regarded as new plant and machinery, provided no deduction of same has been allowed by way of depreciation otherwise, or has been used in India in any earlier previous year. अगर आपने इंटर पढ़ा होगा, इंटर में आपने सेक्शन 10A वगैरह पढ़े होंगे, उसमें ही सेम कंडीशन थी। उसमें दिया हुआ था कि हम लोग नए बिजनेस में मैक्सिमम 20% ओल्ड यूज कर सकते हैं, पुराने वाले, बची 80% नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इंडिया के बाहर से कोई लेके आते हैं, भले वो सेकेंड हैंड है, तो भी इसको न्यू कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड इंडिया में उसका पहले कभी डिडक्शन नहीं मिला हो। बराबर, किधर चली गई कविता, सिद्धि सब, अंकिता, डैश डैश लोग। डज नॉट यूज होटल और कन्वेंशन सेंटर बिल्डिंग, द कंपनी डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एट होटल और कन्वेंशन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिडक्शन अंडर ATIAB हैज बीन अलाउड। आपको पता रहेगा, अगर आपने ATIAB के डिडक्शन पढ़े होंगे तो ATIAB के अंदर डी फॉर दिल्ली, और उसके अंदर मैंने ऐसे ही बोला था कि वो जो दिल्ली वाला सेक्शन है उसके अंदर कन्वेंशन सेंटर वगैरह के लिए डिडक्शन मिलता था। बरोबर, तो वो वाली बिल्डिंग यहाँ यूज नहीं करनी चाहिए। मतलब पता चला कि वो कन्वेंशन सेंटर, आपको पता रहेगा तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब वो सब के लिए डिडक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन आया था, क्योंकि फॉरेनर वगैरह इंडिया में आने वाले थे, तो अगर फॉरेनर इंडिया में आएंगे तो उनको रहने को बरोबर चाहिए, उनकी मीटिंग्स हो गए, स्पोर्ट्स वाले पर्सन हो गए, तो उन्होंने एक प्रोविजन बनाया था कि जो कन्वेंशन सेंटर बनाएगा उसको ATIAB में डिडक्शन देंगे। अब आपने उस समय तो ले लिया, अब वो बिजनेस तो बंद हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चलेगा, क्योंकि रूटीन में कौन यूज करने वाला है, तो आपने उसको ये बिजनेस में यूज कर लिया तो नहीं चलेगा। मतलब एक ही बिल्डिंग का दो बार डिडक्शन नहीं ले सकते।
not engaged in any business other than manufacturing or production of article thin and research in relation to a distribution of such article thin manufactured by. Total income computed without claiming deduction of additional depreciation. अभी देखो जो A वाला section था उसमें जो sections थे वही मैंने change किए थे, एक दो तीन, बाकी वैसे के वैसे ही है. Total income computed without adjusting brought forward losses from any earlier year, if such loss pertains to any deduction under the aforesaid section. Moreover, such loss or depreciation shall not be carried forward. In case of amalgamation, the total income of company will be calculated without adjusting brought forward losses under 72A from earlier year, if such loss pertain to any deduction under the aforesaid section. Moreover, such loss or depreciation will not be carried forward. In case of amalgamation, option under 115BAB remain valid for amalgamated company only if above conditions are satisfied. मतलब जो amalgamation होता है तो पुरानी कंपनी का लॉस नई कंपनी को मिलता है, तो उन्होंने क्या बोला है कि वो पुराना लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो अगर वो पुराना यही डिडक्शन से रिलेटेड है जो इसमें मना किए हुए हैं. आपका अगर amalgamating कंपनी ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो amalgamated कैन कैरी फॉरवर्ड दैट ऑप्शन. बराबर. डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड एज पर मेथड प्रिस्क्राइब. कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट बाय असेसिंग ऑफिसर इन सर्टन केसेस. When it appears to the assessing officer that owing to the close connection between the company and other person, आपको पता है ऐसा 80s के deduction के समय भी बोला हुआ है, 10A में भी बोला हुआ है. जैसे समझो अभी कोई business है उसकी income कम tax होती है, exempt है, तो लोग क्या करते हैं उससे दूसरे business में transfer करते हैं. तो इधर ज़्यादा profit दिखाएंगे तो कम tax rate लगेगी और जिसमें ज़्यादा tax rate applicable है उधर वो expense दिखा के loss हो जाएगा या कम हो जाएगा. उन्होंने बोला ऐसा किया है, एसेसिंग ऑफिसर को पता चला तो एसेसिंग ऑफिसर आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा. एसेसिंग ऑफिसर देखो, वेयर इट अपीयर्स टू एसेसिंग ऑफिसर दैट ओविंग टू क्लोज कनेक्शन बिटवीन कंपनी एंड अदर पर्सन फॉर एनी अदर रीजन द कोर्स ऑफ बिजनेस बिटवीन इज सो अरेंज्ड दैट द बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिटवीन देम प्रोड्यूसर्स टू द कंपनी more than the ordinary profit which might be expected to arise. The assessing officer shall compute or take amount of profit as may be reasonable deemed to be derived therefrom. For this purpose assessing officer may evoke provision of 92BA. ये 92BA अपन पढ़ने वाले हैं transfer pricing के chapter में. Tax में transfer pricing का chapter है, वहाँ पर अपन ये पढ़ेंगे. वहाँ पे कैसा होता है, international transactions होते हैं. तो इंडिया में टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, फॉरेन में कम में बेचते हैं, फॉरेन से ज़्यादा में परचेज करते हैं. तो वो वाले चैप्टर में आर्म्स लेंथ प्राइस का वैल्यूएशन बहुत होता है, तो वही प्रोविजंस यहाँ पर आ सकते हैं. मतलब उसी बेसिस से आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट होगी. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस, हाउएवर द रूल ऑफ 92BA इज एप्लीकेबल इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू SEC फॉर 11 पीरियड एक्सीड 20 crores. If the above adjustment is made, the amount so adjusted will be taxable at 30% and not 15%. ये वाला जो section है इसमें tax rate 15% होती है, पर उन्होंने क्या बोला है ये जो adjustment करेंगे उसके वजह से जो आएगा वो 30% पे tax होगा. अभी देखो tax rates देख के रखी है इन्होंने. Income from manufacturing, income from non-manufacturing, short term capital gain from depreciable, non-depreciable. एक्सेस प्रॉफिट एडेड जो ऊपर था स्पेशल रेट के लिए स्पेशल सरचार्ज 10%. ऑप्शन, ये ऑप्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st April 2020. द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड इन फॉर्म नंबर 10ID. मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ द रिटर्न, फर्स्ट ऑफ द रिटर्न का मतलब क्या होता है. Under section 115BAB, SSC companies required to opt for the lower tax regime in the first year itself. If the company does not opt for the section 115BAB in the first year, then it will become ineligible to opt for the same in subsequent year. For instance, a company incorporated in 20 and manufacturing be commenced by 20, it want to opt to lower tax regime in the assessment year 21-22, because previous year 2021. If not exercised, then company will be disqualified for in future year.
As against this 115B AA option can be exercised in 2021 or any subsequent year. Once the company has exercised the option for previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or other previous year. If the company, after opting tax regime of section 115B AA, fails satisfy the above condition in subsequent year, the option become invalid in the year in which the default is committed. Consequently, in this case, it will be assumed company is not exercised the option of lower road regime under section 115B in the year in which the default has been committed. Ye B hai. A domestic company which has exercised the option for lower tax regime under 115BAB and the option has become invalid due to violation of the condition may exercise option under section 15BAA. Abhi kisi ne BAB mein exercise kiya aur wo violate ho gaya. To kis mein exercise kar sakta hai? Dusre wale, piche wale section. Barobar MAT applicable nahi hai. Ab humne company ke teenon sections padh liye. अब हम वो टेबल से रीड कर सकते हैं, पर रीड करने के लिए पहले आप ये सेक्शन वापस एक बार रीड करो. जो रिकॉर्डेड देख रहे हो उनको एक बार मैं दिखा देता हूं. बहुत बड़ा सेक्शन है. पॉज रीड Pause and read. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप वीडियो पीछे ले जाके वापिस सेम चीज रीड कर सकते हो. दो बार कम से कम रीड करना तो अच्छे से समझेगा. फिर अपन इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे. बराबर आता हूं मैं फाइल सेव करके.